दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 26 मई सन 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पिछले कुछ सालों में आवश्यक कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम कितने बढ़े। महंगाई कम करने के सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता है। महंगाई के पिच पर यदि हम 5 साल में देखें तो आलू प्याज टमाटर नमक लगातार तेजी दिखा रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं में शामिल चीनी और चना को दाल को यदि हम छोड़ दें तो बाकियों में सभी में ज़बरदस्त कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से जारी आवश्यक वस्तु की खुदरा कीमतों के मुताबिक पिछले 5 साल में चावल की कीमत में 25% की तेज़ी देखी गई। वहीं गेहूं की कीमत इस दौरान 26% बढ़ी है, जबकि 5 साल पहले 100 रुपये में जितना गेहूं चावल मिलता था अब उसके लिए 125 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले 5 साल में चीनी लगभग 3% सस्ता हो गई है, लेकिन चाय कड़वी हो गई है। चाय पत्ती इस दौरान लगभग 5 साल में 40% महंगी हुई है। दूध के दाम भी लगभग 24% बढ़ गए हैं। पाम ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन और वनस्पति ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। यदि हम देखें कमोडिटी वाइज तो साधारण चावल पिछले 5 साल में 25% तेज़ी दिखा रहा है, गेहूं में 26%, आटे में 27% और चना दाल चना में लगभग 15% की गिरावट है। अरहर दाल 22% की तेज़ी, उड़द दाल 8% की तेज़ी, मूंग दाल 28% की तेज़ी, मसूर दाल 32% की चीनी की तेज़ी, जबकि चीनी पिछले 5 साल में घटी है, 43 रुपये से 41 रुपये आ गई है। दूध के अंदर 24% की तेज़ी रही और मूंगफली तेल जो है वो 46% तेज हुआ और सरसों का तेल 83% तेज हुआ। 5 साल पहले ये 101 रुपये था, अब 185 रुपये बिक रहा है। तो कुल मिला के चना और चीनी को छोड़ दें तो बाकी सभी कमोडिटीज़ के अंदर 25-30% बढ़े, जबकि इडेबल ऑयल के अंदर 46-83% तक की बड़ी तेज़ी दर्ज हो गई। यदि हम आलू को देखें और प्याज को देखें तो आलू पिछले 5 साल में 67% अधिक महंगा हुआ है और प्याज 64% महंगा हो गया है और टमाटर के भाव तो 200% बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारियां आप तक अजय एस्ट्रो मनी गुरु प्रसारित कर रहा है, विश्व का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, स्टील, लोहा, कोयला, इन सभी पर लगातार विश्लेषण और अपडेट आप तक पहुंचाता है। दोस्तों केंद्र सरकार ने महंगाई के खिलाफ हर संभव प्रयास किया है। यदि हम देखें तो 14 फरवरी को क्रूड पाम ऑयल पर आयात शुल्क खत्म किया था, जबकि अन्य खाद्य तेलों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी की कटौती की थी। उसके बाद 30 मार्च सन 2022 को तुअर और उड़द दाल पर 1 साल के लिए 0 कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क पूरी तरह से ख़त्म किया। मोजाम्बिक, मालवी और म्यांमार जैसों से देशों से इन दालों के आयात के लिए MOU भी हुआ। 13 अप्रैल को कपास के आयात पर 30 अप्रैल तक आयात शुल्क हटा दिया गया है। 12 मई को एविएशन फ्यूल यानी ATC की कीमतें बढ़ने पर हवाई किराए पर लगाए गए कैप को बढ़ाया गया। 13 मई को कीमतों को काबू करने के लिए गेहूं पर निर्यात का प्रतिबंध लगा। 21 मई को पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई। साथ ही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और स्टील के कच्चे माल पर आयात शुल्क में भी कटौती की। स्टील उत्पादों के निर्यात पर बढ़ाया शुल्क। ये सब कार्रवाई केंद्र ने महंगाई रोकने के लिए की है। 24 मई को जो साल 24 मई को 20-20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी तेल को ड्यूटी फ्री किया और चीनी के निर्यात पर 1 करोड़ टन की सीमा 1 जून से प्रभावी जारी हो गई। तो ये सरकार ने फौरी तौर पे जो कदम उठाए हैं, लेकिन इसका असर अभी आना बाकी है। RBI के भी ने भी कुछ कदम उठाए हैं। देखिए कि
कॉटन के ऊपर यदि हम देखें तो आयात शुल्क हटाने के बावजूद भी कॉटन सस्ती नहीं हुई। साथ साथ यदि हम सोयाबीन की तरफ भी देखें तो 24 मई को जो 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन कच्चा और सूरजमुखी क्रूड ऑयल को ड्यूटी फ्री किया है तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी गिरावट दर्ज नहीं हुई। लेकिन स्टील के ऊपर दामों की गिरावट के स्टील के ऊपर जो कार्रवाई की उस पर स्टील के दाम 10-15% होलसेल मार्केट गिर गए हैं। तो दोस्तों ये था सरकार के कदमों का रेखा जोखा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 4 मई को रेपो रेट 40 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिया है। महंगाई और पर कंट्रोल पाने के लिए 45 महीने बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। बैंकों के लिए कैश रिजर्व रेशो CRR को भी 50 बेसिक पॉइंट बढ़ाया है ताकि बाज़ार में नकदी कम हो सके। सिस्टम में 87,000 करोड़ निकाले। तो साथ साथ RBI जून के अंदर फिर रेपो रेट बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, इसकी संभावना है। अब आगे क्या हो सकता है, कॉपर कॉटन के एक्सपोर्ट और कॉटन फ्यूचर की ट्रेडिंग पर अब सरकार की नज़र हो सकती है क्योंकि इससे टेक्सटाइल मिलों को बड़ी परेशानी हो रही है और सूती धागा महंगा होने से सूती वस्त्र बहुत महंगे हो गए हैं। साथ ही इसके एक्सपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा कहना है धागा मिल और टेक्सटाइल कंपनियों का। और टेक्सटाइल कंपनी का एक डेलीगेशन वाणिज्य सरकार से भी मिला और उसने प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। तो दोस्तों ये था एक मोटा आकलन, और लेकिन कुल मिला के चना और चीनी कमाई के मामले में पिछड़े, बाकी सब तेज। सबसे ज़्यादा कमाई एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेलों में की, उसके बाद जो कमाई है मसूर दाल मूंग दाल इसमें आई, अरहर दाल दालों में आई, लेकिन चना दालों में पिछड़ गया है। गेहूं और आटा के अंदर भी तेज़ी अच्छी दर्ज हुई, चावल भी तेज़ी की राह पे चला। दोस्तों आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा अपनी राय अवश्य दीजिएगा। हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन हम आप तक पहुँचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।